जयपुर से बड़ी खबर, एमटीएस परीक्षा में सात मुन्ना भाई पकड़े। चार राजस्थान कॉलेज में, एक महाराजा कॉलेज और एक सुबोध कॉलेज में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से परीक्षा करवाई जा रही थी। पकड़े गए अभ्यर्थियों ने कबूला कि किसी दूसरे की जगह वो परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा में कोई बड़ा नकल गिरोह होने की भी आशंका है। कई और अभ्यर्थी फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सुबोध कॉलेज की, जहां पर फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बात की भनक कैसे लगी कि कोई फर्जी अभ्यर्थी हो सकता है? देखिए भारती, जिस तरह से आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, राजस्थान कॉलेज में पकड़ा गया है और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की ओर से जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती निकाली गई थी, उस भर्ती की परीक्षा आज आयोजित हो रही थी, जिसमें अलग अलग जगह पर जो जो फर्जी अभ्यर्थियों को है वो हिरासत में लिया है, पकड़ा है। राजस्थान कॉलेज में चार जो फर्जी अभ्यर्थी उनको पकड़ा है, साथ साथ जो महाराजा कॉलेज में दो और सुबोध कॉलेज में एक फर्जी अभ्यर्थी है उनको पकड़ा है। देखिए, ये दरअसल ये मुन्ना भाई किसी और की जगह पर एग्जाम देने के लिए आए थे और उनको एग्जाम में पास करवाने के लिए राजस्थान कॉलेज कॉलेज प्रशासन ने सख्ती से जो निगरानी की और पूरी तरह से जो फॉर्म को और उनके एडमिट कार्ड को चेक किया, उसके आधार पर ही इनकी जो पहचान हुई और पहचान के अंदर जिसमें राजस्थान कॉलेज में चार, महाराजा कॉलेज में दो और सुबोध कॉलेज में एक फर्जी अभ्यर्थी को हिरासत में लिया है। अभी सभी इनको जो पुलिस हिरासत में दिया जाएगा। दरअसल और जो मल्टी टास्किंग स्थापित भर्ती निकाली गई थी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की ओर से, और उसी की ओर से ही ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई थी। जी लोकेश, तो है क्योंकि तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।